समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात बन गई है। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां यूपी में साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही हैं। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर लंबे समय से बात चल रही थी, लेकिन सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही थी और इस कारण बात बिगड़ती दिख रही थी, लेकिन आखिरकार दोनों में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात बन गई है। वही सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया था, हालांकि बताया जा रहा है कि बात तब भी नहीं बन पाई थी। कांग्रेस मुरादाबाद सीट मांग रही थी और 2019 में मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी जीती थी और इसी वजह से गठबंधन की बात पटरी से उतरने लगी थी, लेकिन प्रियंका गांधी के दखल देने के बाद दोनों पार्टियों में सहमति बन गई। सूत्रों का यह भी कहना है कि अलायंस में जब सीट शेयरिंग पर बात बिगड़ती दिखी तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने बातचीत की शुरुआत राहुल से की और राहुल से बात करने के बाद अखिलेश यादव से भी बातचीत की और उसके बाद कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट की मांग छोड़ दी। कांग्रेस ने दो बदलावों की मांग की। हाथरस में समाजवादी पार्टी की वापसी की बजाय सीतापुर की सीट मांगी। श्रावस्ती को लेकर बुलंदशहर या मथुरा छोड़ने पर सहमति बनी। वाराणसी पर हालांकि सपा ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने सपा से उम्मीदवार वापस लेने का अनुरोध किया है, तब जाकर दोनों दलों के बीच सहमति बन सकी। वहीं कांग्रेस अब अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा की सीट से चुनाव लड़ेगी। और उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास और 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास। हम मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से एक सीट पर लड़ेंगे, बाकी सीटों पर हम कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में 17 सीटें कांग्रेस जो लड़ेगी उसमें समाजवादी पार्टी उन 17 प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी। और इसी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 63 लोकसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा तय किए गए उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास करेगी। इससे पहले कांग्रेस समाजवादी पार्टी 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त साथ आए थे, तब इस गठबंधन के लिए यूपी के लड़के नारा दिया गया था। हालांकि चुनाव में इस गठबंधन को बुरी तरह से हार मिली थी। समाजवादी पार्टी ने 47 और कांग्रेस ने सिर्फ 7 सीटें ही जीते थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, तब यहां की 80 में से महज 5 सीटें ही समाजवादी पार्टी जीत सकी थी। कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट आई थी। फिलहाल एक बार फिर साथ चलो का नारा बुलंद करते हुए कांग्रेस और सपा का गठजोड़ बीजेपी का मैजिक तोड़ने के लिए साथ आ गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सपा और कांग्रेस का ये गणित लोकसभा चुनाव में क्या करिश्मा दिखा पाता है।